पता नहीं कि थोड़ी थोड़ी दिखती है उत्साह लोगों में। 455 अंक नीचे है इस वक्त निफ्टी बैंक, निफ्टी किसी रिकवरी का संकेत नहीं। निफ्टी बैंक की बात करें 2051, 2000 अंकों से ज़्यादा, ये 2% की गिरावट निफ्टी में है और उससे डबल निफ्टी बैंक में है, करीब 4.25% के आसपास की। कई बार 2000 अंक चलने बाजार को महीने, डेढ़ महीने, दो महीने भी लगते हैं या फिर गिरने में, आज एक दिन में ये काम हो रहा है। HDFC बैंक जो गिरावट है 8% से ज़्यादा की हो गई है, 8.25% के आसपास की, और यहाँ पर ये क्लोजिंग अब देने जा रहा है। भारी गिरावट, नतीजों से निराशा, और उसकी चपेट में बाकी बैंक भी आए जो वेटेज के लिहाज से बढ़े हैं। कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये 3 से 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ ये बैंक बंद होने जा रहे हैं। और निफ्टी बैंक के 12 में से 12 शेयर आज लाल निशान के साथ क्लोजिंग देते हुए दिखाई देंगे। 46,000 के आसपास का आंकड़ा निफ्टी बैंक पर, 21,600 के नीचे निफ्टी। आज जो चुनिंदा शेयर जहां पर आज थोड़ी थोड़ी तेजी दिखी, उसमें से IT स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, इंफोसिस, TCS 0.5% के आसपास की मजबूती, SCL टेक, टेक महिंद्रा 1% के आसपास की तेजी, तो तेजी वाले शेयर काफी कम रहे। लेकिन नतीजों के दम पर कुछ कुछ एक्शन हमने जरूर दिखा। ICICI लोम्बार्ड की प्रीमियम ग्रोथ अच्छी आई थी, 6% ऊपर ये शेयर बंद होने जा रहा है। एलएनटी टेक्नोलॉजीज भी ठीक ठाक नंबर्स आए थे, 3-4% के आसपास की तेजी रही। लेकिन IEX 10% टूटा, मार्केट कपलिंग वाले चिंताओं के चलते, और मेटल स्टॉक्स की अपनी कहानी है, चाइना से खराब आंकड़े, वहाँ की आर्थिक हालात थोड़े से कमजोर हैं, उसके चलते इन स्टॉक्स की पिटाई होती हुई दिखी है। लेकिन भारी गिरावट का सत्र, 2055 अंक नीचे निफ्टी बैंक की क्लोजिंग 40,000 के पास, और निफ्टी की क्लोजिंग 453 अंकों की। उम्मीद करेंगे अगर कल के सत्र में, कि देखते हैं कि ये क्या होता है, ऐसे रिकवरी आती है या नहीं, लेकिन कल भी नतीजे फोकस में जरूर रहने वाले हैं इंडसइंड बैंक समेत।